ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा में अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी में इस समय नियमित शिक्षकन के नियुक्ति के प्रक्रिया चल रही है। और नियुक्ति के प्रक्रिया को लेके अवधेश प्रताप सिंह महाविद्यालय के मैदान इस समय अखाड़ा में तब्दील हो नजर आ रहा है। बता दें कि दो शिक्षकन में कहा सुनी के बाद मामला थाने तक पहुंच चुका है। महिला शिक्षक के द्वारा आरोप लगावा गया कि नोकझोंक के बाद महिला का कार से ठोकर मार दी गए। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सभी जन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता रही कि नियमित शिक्षक के नियुक्ति को लेकर विश्वविद्यालय परिसर इस समय अखाड़ा के तौर में तब्दील होत नजर आ रहा है। ताजा मामला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के बतावा जात है, जहाँ पिछले कुछ दिन पहले दो अतिथि विद्वानों के बीच तूतूमय के बाद समय आई। महिला अतिथि विद्वान निशा पटेल और अनुराग मिश्रा के बीच यह कहासुनी विभाग में है। और आरोप यह लगा ला है कि कहासुनी के अगले दिन महिला अतिथि विद्वान निशा जब अपने दुपहिया वाहन में सवार हुई के विभाग से निकली, तो अतिथि विद्वान अनुराग के द्वारा उनका कार से ठोकर मार दी गए। स्कूटी में पीछे से ठोकर लगते है, महिला अतिथि विद्वान सड़क में गिर गई और घायल हो गई, जबकि अतिथि विद्वान अनुराग कार का बिना रोके तेजी से आगे निकल गए। घटना से आहत तो महिला अतिथि विद्वान के द्वारा पुलिस प्रशासन से मदद के गुहार लगाई गई है। महिला अतिथि विद्वान के द्वारा पुलिस और विश्वविद्यालय कुलपति का पूरे मामले से संबंधित शिकायत दर्ज करवाई गई है, जोने मां घटना का लेके आरोप लगाए गए। हम दूसरा कई महिला अतिथि विद्वान के द्वारा अपने जान का खतरा बताए के उचित कार्रवाई के मांग उठाई गई है। अब तक के पूरे मामले का लेके कुलपति या फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोनोमेट के कार्रवाई नहीं की गया है। आरोप यह है कि उल्टा विभागाध्यक्ष पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के तमाम अधिकारी आरोपी अतिथि विद्वान के पक्ष में तर्क देत फिरला है, जबकि महिला अतिथि विद्वान के ऊपर समझौता खातिर दबाव बनावा जाला है। ये पूरे मामले का लेके मामला जो है थाना पहुंच चुका है। बता दिए कि विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकन के नियुक्ति खातिर पिछले अप्रैल महीना में विज्ञापन जारी किया गया रहा, जहां आवेदकन के छटनी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक दोनों अतिथि विद्वानन के द्वारा ये नियुक्ति खातिर आवेदन दीन गा, वह महिला अतिथि विद्वान के द्वारा हाल ही में महिला अतिथि विद्वान JRF चयनित भई है और इसे संबंधित दस्तावेजीकरण को लेकर विभाग में बातचीत है। नोकझोंक की यह घटना 31 मार्च के बताई जा रही, जबकि कार से ठोकर मारे की यह घटना अगले दिन है। घटना के तुरंत बाद महिला अतिथि विद्वान के द्वारा पुलिस से लेके तमाम अधिकारी से पूरे मामले से अवगत करावा गा। दो दिन पहले बता दी एक बार फिर से महिला अतिथि विद्वान के द्वारा कुलपति का शिकायत दी गए, बावजूद के पीड़ित महिला के कहा सुनवाई नहीं हो रही है। ये पूरा मामला हालांकि अब थाना पहुंच चुका है। देखे वाली बात यह हुई कि मामले में जिम्मेदार अतिथि विद्वान के ऊपर कौन मेर की कार्रवाई की जाती है। तो सजग रही और सतर्क रही रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट इन सभी में रोजगार की अपार संभावना। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।